दोस्तों, अगर आपका फेसबुक का पासवर्ड भूल चुका है तो कैसे आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को चेंज करेंगे? जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमें फेसबुक हम यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से और हमें उसका पासवर्ड याद नहीं होता है और हमें किसी दूसरे फ़ोन पर फेसबुक को लॉगिन करना होता है, उसका पासवर्ड भी याद नहीं होता। तो क्यों ना दोस्तों, हम पहले ही फेसबुक का पासवर्ड को चेंज कर लें और उसको याद करके रख लें, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है फेसबुक रिलेटेड तो आपके पास पासवर्ड रहेगा तो हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिखाएंगे फेसबुक का पासवर्ड को चेंज कैसे करना है। तो फेसबुक को ओपन मैंने कर लिया। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखो आपको सेटिंग वगैरह मिल जाएगा देखने को, ठीक है। नीचे आइएगा और तो यहाँ पर देखो लिखा सेटिंग प्राइवेसी, हमें इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया तो दोबारा से एक और सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ध्यान से, इस बार सिर्फ सेटिंग लिखा है, सेटिंग प्राइवेसी ऊपर है, नीचे सेटिंग लिखा है, तो सेटिंग में क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है सेटिंग प्राइवेसी और यहाँ पर लिखा है देखो अकाउंट सेंटर। यहाँ पर एक ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। ध्यान से, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगा। आपको क्लिक करना भाई नीचे सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नीचे देखो यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के नीचे लिखा है पासवर्ड सिक्योरिटी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे पासवर्ड सिक्योरिटी पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा ऊपर चेंज पासवर्ड, तो हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपका अकाउंट दिखाई देगा, आपका नाम जो भी फेसबुक पर आपका नाम है वो दिखाई देगा, हमें नाम पर क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो लिखा है चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको पहले करंट पासवर्ड डालना है फिर नया। फिलहाल मेरे को ये याद नहीं है, मेरे को कोई भी पासवर्ड याद नहीं है, ना पुराना है ना अभी तो मैं बनाया भी नहीं हूँ। पुराना पासवर्ड मुझे याद नहीं है, नया कैसे डाल सकता हूँ जब पुराना ही याद नहीं है। तो सिंपल करना क्या है, यहाँ पर देखो लिखा फॉरगेट योर पासवर्ड, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये वाले फॉरगेट योर पासवर्ड हमने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक नया इंटरफेस आएगा, सिंपल सही आ चुका है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर व्हाट्सअप लिखा है, VSMS लिखा है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ये। अब इस फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा, ध्यान से एक OTP कोड जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इस पर क्लिक करना है कंटिन्यू पर, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो पहले कैप्चा कोड आएगा, ठीक है। हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो लिखा है एंटर द 6-डिजिट कोड, कोड हमारे फ़ोन पर आ चुका है। हमने भाई यहाँ पर देखो कोड एंटर कर दिया, सिंपल कंटिन्यू में क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, तो हमें यहाँ पर दोस्तों अब एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है ना, जो हमें सिर्फ याद हो और किसी को याद नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया, अब सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करेंगे इस तरीके से। हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। हमारा भाई देखो यहाँ पर फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है, यानी हमारे फेसबुक का जो पासवर्ड है वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से फेसबुक का पासवर्ड को चेंज किया जाता है, इजी तरीका है। मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया, आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो पर।